हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इन स्टैक। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बोट का एक और नया TWS लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है बोट एयरडॉक्स एटम 81। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ में लॉन्च डेट और प्राइस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी और समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियोस जो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये आपको सिंपल केसिंग और सिंपल बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही बोट अपना एयरडॉप्स लॉन्च करता है, उसे सेम डिजाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 13mm का इमेजसी ड्राइवर जो है यूज किया गया, साथ ही साथ में इसमें आपको क्वाड माइक का सपोर्ट जो है दिया गया, यानी सिंगल बर्ड्स में आपको दो दो माइक जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कॉलिंग क्वालिटी आपकी अच्छी होने वाली है। और उसी के साथ साथ गेमिंग मोड के लिए यहाँ पे आपको 50ms की लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया, तो गेमिंग वगैरह भी यहाँ पे आप कर सको कि यहाँ पे आपको लैगिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ में इसमें आपको डबल AS यानी कि एंटीसिपेट एस्टोनाइजिंग साउंड का सपोर्ट जो है दिया गया, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी और यहाँ पे बेस वगैरह काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसमें आपको टोटल जो 50+ hours का प्ले टाइम बैकअप जो है दिया गया, और जल्दी में हो 5 मिनट अगर चार्ज करते हो तो यहाँ पे आपको 1 hour का यानी कि 1 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ USB Type-C का सपोर्ट जो है इस बर्ड में भी देखने को मिल जाएगा। और ब्लूटूथ वर्जन के बारे में बात करें, तो इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन यूज किया गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट जो है मिल जाएगा। और वाटर रेजिस्टेंस को देख लीजिए, तो IPX5 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है इस बर्ड्स में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसमें आपको फुल टच सेंसर मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से गाने को पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, रिवर्स भी कर सकते हो, कॉल को रिसीव भी कर सकते हो और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ में वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट जो है इस बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा, यानी गूगल के साथ साथ सीरी को जो इजीली एक्सेस कर सकोगे। तो ये कुछ फीचर मिलने वाला है बोट एयरडॉक्स एटम 81 में। अब वहीं पे प्राइस पॉइंट और लॉन्च डेट को डिस्कस किया जाए, तो कंपनी ने इसकी प्राइस और लॉन्च डेट कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें स्पेसिफिकेशन मिल रहा है उस हिसाब से इसकी प्राइस आपको 999 रुपए से 1000 रुपए जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा, डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे कंफर्म होता है मैं फिर से वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी ने अनबॉक्सिंग टिक टिक साहब में, तब तक के लिए जय हिंद।